वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, पटना वासी ट्रैवलर। और आज संडे था तो मैं एक छोटे से ड्राइव पे जा रहा हूँ। मैरिन ड्राइव के आसपास घूम फिर के आ जाऊँगा मैं। और अभी हम लोग हनुमान नगर में हैं, मैं यहीं हनुमान नगर में रहता हूँ। और मैंने गाड़ी बाहर निकाल लिया है, अब गेट लगा के घर से निकल लूँगा मैं। और यहाँ से मैं कंकड़बाग साइड निकलना चाह रहा हूँ, वहाँ से मैं चिड़ियाटल पुल पकड़ के मैरिन ड्राइव चला जाऊँगा। और वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास करके वापस आ जाऊँगा। और आप लोग घर बैठे बैठे मैरिन ड्राइव का मज़ा लो। ये देख सकते हो, ये चिड़ियाटल पुल है। अगर आप लोग पहले से पटना में रह रहे हो काफ़ी, तो आप लोगों को पता होगा कि क्या स्थिति थी इस पुल की। आज से 10-15 साल पहले एक छोटा सा पुल होता था बस, और आज ये ऐसा बन गया है कि एक बार आप इस पर चढ़ गए तो आप सीधे कंकड़बाग से इनकम टैक्स जा सकते हो, जीपीओ जा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इस वाले ब्रिज का हुआ। अगर आप लोग राजेंद्र नगर से कंपेयर करोगे तो उसका तो ऐसा कुछ ग्रोथ दिखा नहीं। अब वहाँ सीधे मेट्रो आ गया है और अब हम लोग फाइनली मैरिन ड्राइव पे आ गए हैं। और ये जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि मैं थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करा के रखा हूँ अपने गाड़ी में, और अपने चैनल का भी थोड़ा बहुत प्रमोशन किया हूँ मैं उस पर। और आज अपनी फैमिली 600 पीपल की हो गई है। ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहो ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। और ये मेरे चैनल का नाम है जिसे मैंने लिखवा रखा है अपने गाड़ी के ऊपर। और एक और डार्क एडिशन खड़ी थी, उसके पीछे मैंने गाड़ी को लगा रखा है। वो इलेक्ट्रिक थी तो उसके ओनर से भी मैंने सोचा कि बात करके देखूं कि क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं अगर आप इलेक्ट्रिक लेते हो तो। ऑल दो पॉजिटिव्स तो बहुत हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी के, बट करेंटली क्या दिक्कतें आप फेस करोगे पटना में, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से बना नहीं है फास्ट चार्जर का अभी तक पटना में। तो इनके ओनर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि उनके बेटे की है ये गाड़ी और वो इससे मैक्सिमम अभी तक 150 किलोमीटर का रोड ट्रिप किए हैं, तो उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपको जाना चले जाओ। जैसे मैं दिल्ली भी गया हूँ उस गाड़ी से, हैदराबाद गया था, उसमें मैंने 6 दिनों में लगता है 10 स्टेट्स कवर किए हैं, जिसका रोड मैप भी मैंने अपने गाड़ी के पीछे लगा रखा है। और मैंने गाड़ी में भी मॉडिफिकेशंस कराए हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो दोनों गाड़ी में सेम है, डार्क एडिशन दोनों है, बट मेरे गाड़ी में थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, सब चीज़ें थोड़ी सी अलग करके रखी है मैंने। और वापस अब हम लोग कंकड़बाग जा रहे हैं। मौसम भी ठीक था आज का, ऊपर बादल वादल दिख रहे थे। और नेक्सॉन काफी ज्यादा दिखता है मार्केट में अब। जब मैं ले रहा था तो डार्क एडिशन के बारे में मुझे पता भी नहीं था, बट दुकान वालों ने बोला कि यही अवेलेबल है तो मैंने ले लिया था। और अब हम लोग वापस घर की तरफ बढ़ चुके हैं, ये गांधी मैदान के पास आ चुके हैं हम लोग, गांधी संग्रहालय के पास। यहाँ से फिर हम लोग बिस्कोमान साइड टर्न ले लेंगे और बिस्कोमान से फिर हम लोग फ्रेजर रोड होते हुए एग्जीबिशन रोड होते हुए जाएंगे, क्योंकि एग्जीबिशन रोड से सीधे आपको पुल मिल जाएगा जिस पुल से आए थे, चिड़ियाटल पुल। और यहाँ से राइट टर्न लेंगे और अब सामने सीधे ओवरब्रिज आ जाएगा। और यहाँ से फिर सीधे हम लोग कंकड़बाग पहुँच जाएंगे। दैट्स इट। थैंक्स। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।